सब्सक्राइब कीजिए सब आसान चैनल को और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल असीम सब आसान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो एडोब फोटोशॉप के जो लाइट पिक्स है, जो अमूमन आप अमूमन देखते हैं कि पिक्चर के अंदर कुछ लाइटिंग वाले जो इफेक्ट्स होते हैं वो लगे होते हैं। दोस्तों, ये पिक्स है, ये तकरीबन 180 या 190 MB का है, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीडिया फायर का लिंक है, आप इसको डाउनलोड करें और इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज किस तरीके से करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड पर और आपको बताता हूँ कि लाइट इफेक्ट्स को किस तरीके से एडोब फोटोशॉप में यूज करते हैं और अपने पिक्चर पर इनका यूज किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ एडोब फोटोशॉप को और आपको बताता हूँ कि इन इफेक्ट्स को किस तरीके से यूज करते हैं। मैं पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एडोब फोटोशॉप को ओपन किया तो ये देखे एडोब फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक पिक्चर लेके आता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से इन लाइट इफेक्ट्स का यूज होता है। मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पिक्चर में लेकर आया। अब मैं उठाता हूँ उन पिक्स को जहाँ पर मैंने इनको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तकरीबन 190 MB का ये फाइल है। आपको मीडिया फायर के जरिए इसका लिंक मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करें और अपना इसको बना लें और इसको यूज़ करें। किस तरीके से इसका यूज़ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओपन करता हूँ उस फोल्डर को जहाँ पर ये पिक्स डाउनलोड करके मैंने रखे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वो फोल्डर है जहाँ पर मैंने इनको डाउनलोड करके रखे हुए। तकरीबन ये 350 प्लस पिक है, लाइट पिक। आप देखें कि फ्रॉम फोटोशॉप एडिटिंग, यानी फोटोशॉप के लिए बेहतरीन चीज़ है ये बिल्कुल। आप इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ, ये बेहतरीन किस्म का है। लाइट लाइंस, लाइट स्पीक, ये यानी बहुत इसमें तमाम इफेक्ट्स दिए हुए। ये तकरीबन 350 ये पिक्स हैं इसके अंदर। इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक का देखना है। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ उस फोल्डर को। आप देखें कि ये तमाम के तमाम तस्वीरें, इनको यूज़ किस तरीके से करते हैं। आपने अमूमन देखा है कि पिक्चर के ऊपर कुछ इफेक्ट्स लगे होते हैं, तो वो इफेक्ट्स इसी तरीके से लगे होते हैं। ये तस्वीर होते हैं वो, ये इफेक्ट्स होते हैं वो। दोस्तों, बराह रास्त मैंने इसको बाय किया है, तो बाय करने के बाद मैंने सोचा यार अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं ताकि मेरे दोस्तों को भी ये मिल सके, मेरे यूज़र को भी ये मिल सके। दोस्तों, मैंने इसको बाय कर लिया था, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो आप इसको फ्री में लेकर इंजॉय करें। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपने जो तस्वीर है उसको सिलेक्ट करना है एडोब फोटोशॉप में। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। इफेक्ट्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक इफेक्ट्स उठाता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। मैं ये लाइटिंग वाला इफेक्ट्स उठाता हूँ और एडोब फोटोशॉप में चला जाता हूँ और इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई किया तो मैं इसको फुल करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको फुल करता हूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये अप्लाई तो हो गया, तस्वीर में तो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना पड़ेगा। जैसे आपने तस्वीर के ऊपर इसको अप्लाई किया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम आना है, आपने देखना है ये नॉर्मल लिखा हुआ है, आपने ये गौर से देखना है नॉर्मल लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस नीचे वाले एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे आए, ये देखें लाइट लिखा हुआ है, लाइट के बाद स्क्रीन लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो ये बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप अपने अंदाजे के मुताबिक इस जो इफेक्ट्स है इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये बेहतरीन किस्म का इफेक्ट्स हैं, ये तकरीबन 350 इफेक्ट्स हैं। आप इनको यूज़ करके अपना बना सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, आप इनको यूज़ करें, बहुत आसान है इनको यूज़ करना। तो दोस्तों, मैंने इसको परचेज़ किया तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं ताकि मेरे दोस्तों को भी ये मिल जाए, मेरे यूज़र को भी ये मिल जाए। जो मेरे पास चीज़ आता रहेगा इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आपके पास शेयर करता रहूँगा। अगर जब आप चाहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा इफेक्ट्स है, कुछ ऐसे बंदे हैं कि उनको एडोब फोटोशॉप कुछ नहीं आता है, वो मुझसे पूछ रहे एडोब फोटोशॉप के की पूछ सकता है। एडोब फोटोशॉप का भी आपका अब्दुल असीम मास्टर है, तो आपके दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से मुझे ऐसा कोई चीज़ है जो नहीं आता है, मुझे हर चीज़ आता है आपकी दुआओं से, आपके सपोर्ट की वजह से। तो कंट्रोल टी जैसे ही आप करेंगे, तो कंट्रोल टी करने के बाद आप इसको छोटा करें, छोटा करने के बाद आप इसको जहाँ रखना चाहें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये वीडियो मिक्सर और वीडियोग्राफर जो है वो इसको यूज़ करते हैं, ये देखें। मैं इसके जो इसका मकसद जो वो लगा हुआ है, इसका नाम तो मुझे नहीं आता है, ये यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, आप इसको वीडियो पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी इस इफ़ेक्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई करें, यानी आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब देखें कि ये तस्वीर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये इफेक्ट तस्वीर के ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इनको अप्लाई किस तरीके से करना है। मज़ीद इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना है तो वो भी किसी तरीके से आपने अप्लाई करना है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से दूसरा एक पिक उठाता हूँ, एक दूसरे इफेक्ट्स उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और कुछ इफेक्ट्स आ जाएँ, तो उस इफेक्ट्स को मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि उनको भी किस तरीके से स्क्रीन करना है। तो यहाँ से मैं एक उठाता हूँ, इफेक्ट्स तो बहुत ही समझ में नहीं आ रहा है कौन सा उठाऊँ। आप भी उठा सकते हैं, आपको जब इसको मिल जाएगा तो आप भी बोलेंगे यार वाकई अब्दुल असीफ ने तो कोई अजीब चीज़ ही दे दी है हमें। तो भाई मैंने इसको परचेज़ किया है तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इंजॉय करें। और बस मेरी आपसे एक ही विनती है, सब्सक्राइब टू शेयर, और कुछ भी नहीं, बस ये मेरी कीमत है। इतने सस्ते में आपसे जान छुड़ा रहा हूँ और आप जान छुड़ाने में राजी ही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको आके एडोब फोटोशॉप में छोड़ देता हूँ। जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ वही तरीका इसको फुल स्क्रीन पर करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ, पेच करता हूँ, तो उसके बाद मैं दोबारा आता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ स्क्रीन पे और यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। स्क्रीन जैसे ही हो गया तो अब इसको हमें बैकग्राउंड पर अप्लाई करना चाहता हूँ कि यार ये बैकग्राउंड पर बहुत खूबसूरत रहेगा। वही तरीका कंट्रोल टी करके इसको आप बैकग्राउंड पर अप्लाई कर सकते हो, तो ये मज़ीद एक खूबसूरत इफ़ेक्ट्स बनकर आपके सामने नुमाया होगा। ये देखें, इस तरीके से आप अपने तस्वीर के ऊपर खुद ही इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तस्वीर को खुद खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ये इफेक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। चलिए अपने बकाए वीडियो की जाने चलते हैं, ठीक है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसको यूज करते हो, किस तरीके से इस पिक्स को अपने फोटो के अंदर एड करके अपने फोटो को मजीद इफेक्ट्स देकर खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मस्ट। साथ में आप देख रहे हैं कि नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इस पर क्लिक करें और सबासन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह ने के बाद फिर मान लिया अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल असीफ को दुआ में।